हेलो गाइस, शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई यहाँ पर अभी ये जो मैकबुक एयर है 2022 वो हमें क्या देता है क्या नहीं देता है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर हमें ये वाइट स्क्रीन क्यों देता है, और जिन लोग को पता है वो स्किप कर सकते हैं यहाँ से जो नीचे दिया है। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं स्क्रीन साइज पे। तो यहाँ पर आता है 14 इंच एंड 12 इंच, जो चीज अच्छी है। यहाँ पर हमें दो ऑप्शन मिलते हैं जिससे जो मास पब्लिक है उसको अपील कर सके। बट अगर आपको ऐसे कैरी करना है, ओकेशन में लेके जाना है, बहुत जगहों पे बहुत ट्रैवलिंग होता है, तो ये चीजों में 12 इंच काम आता है, और वो चीजों के हिसाब से मुझे ये सेंसेबल लगता है ये चीज। तो यहाँ पर मुझे लगता है ये जो है वो एप्पल लाता है तो ज्यादा अच्छा है। उसके बाद यहाँ पर मुझे लगता है यहाँ पर अभी एप्पल जो है वैसे भी हमें फिलहाल में 2015 के बाद से हमें कोई इतना छोटा लैपटॉप नहीं देता है, तो वो चीजों को वापस से रिवाइव कर रहा है। और वैसे भी एक रिपोर्ट आई थी यहाँ पर 2014 में कि भाई एप्पल जो है वो अपना E8 सीरीज का जो चिपसेट है वो देने वाला है, वो भी मैकबुक 12 इंच में। तो वो चीजें इम्प्लीमेंट कर रहा था, बट उसमें टाइम था और वहां पर अभी एक्सपेरिमेंट हो रहा था बहुत टाइम से, तो ये चीजें देखने वाली बात है। उसके बाद बताया जा रहा है यहाँ पर जो पैनल है वो होने वाला है प्रो XDR डिस्प्ले, और यहाँ पर हमें व्हाइट बेजल्स मिल सकती है, हमें नॉच मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पर हमें कीबोर्ड्स में स्लाइटली से ट्विक्स मिल सकते हैं, और जो ट्रैक पैड है वो छोटा हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं डिजाइन के बारे में, यहाँ पर हमें मिल सकता है फ्लैट एजेस, फिर आते हैं दो थंडरबोल्ट पोर्ट्स, USB-C, मैगसेफ। अब यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर हमें व्हाइट बेजल्स क्यों मिलता है। तो सबसे पहले मैंने जो शर्ट पहनी है और ये जो वॉल है वो पूरी व्हाइट है। यहाँ पर अभी जो नॉर्मल यूजर होते हैं जैसे कि आप हो मैं हूँ, तो वो जो है वो प्रोफेशनल नहीं होते हैं, उनको कोई कलर चीजों से इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है जितना प्रोफेशनल्स को। तो ये चीजें जो है वो बैक इन 90s में बहुत चलती थी, तो वही ट्रेंड को उठा के थोड़ा यूनिक सा चीजें लेके यहाँ पर ये चीजें दी जा रही है। अब एक अच्छा एग्जाम्पल भी है, 2021 में M1 iMac आया था बेसलाइन वाला, तो वो चीजें भी आपको समझनी है कि भाई यहाँ पर जो ये ट्रेंड है ना वो नॉर्मल यूजर को कुछ भी फर्क नहीं करता है, उसको इफेक्ट नहीं होता है उस चीज से। जो प्रो है, प्रोफेशनल है, उन चीजों को उससे फर्क पड़ता है। तो अगर आप कोई प्रोफेशनल हो, अगर आपको वो हाई एंड लेना है, तो वो जो है वो प्रो में आपको मिलेगा, ना कि मतलब ऐसे नॉन प्रो में। तो वो चीजें आपको समझ के चलनी है। और वैसे भी आपके यहाँ पर क्या थॉट्स है मुझे बताना, लेट मी नो इन कमेंट्स बिलो। सो ये चीजें हो जाती है। सो अदरवाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। पीस आउट, पीस।